नमस्कार, मैं हूं अंजलि। चलिए बढ़ते हैं किसी बड़ी खबर की ओर। महिला से बलात्कार करने वाला आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त। थाना जजेपुर की त्वरित कार्रवाई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता प्रार्थिया दिनांक 17 मार्च 2022 थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिछले करीब 2 वर्षों के मध्य आरोपी राजेश चंद्रा पिता सम्मेलाल चंद्रा उम्र 24 साल साकिन भोथिया थाना जजयपुर जिला जांजगीर चांपा द्वारा पीड़िता को फेसबुक के माध्यम अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है। पीड़िता प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 376 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल सोनी को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी शक्ति मोहम्मद तस्लीम आरिफ के मार्गदर्शन पर विवेचना दौरान पीड़िता प्रार्थिया गवाहों के कथन, घटना स्थल निरीक्षण एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राजेश चंद्रा पिता सम्मेलाल चंद्रा उम्र 24 साल साकिन भोथिया थाना जयपुर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया तथा आरोपी द्वारा अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से आज दिनांक 18 मार्च 2022 को विधवा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार, आरक्षक देव नारायण चंद्रा, राजेश यादव, अश्विनी जयसवाल, बलवंत चंद्रा, अजय खेरवार, महिला आरक्षक राजकुमारी खरे का विशेष योगदान रहा है। 17/3/2022 को पीड़िता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि भोथिया का रहने वाला राजेश चंद्रा उसके साथ आज से करीबन 2 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुआ था। दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे थे, वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी राजेश चंद्रा उसे शादी का झांसा देकर पिछले करीबन 2 वर्षों से लगातार दैहिक शोषण कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पता साझी कर आरोपी राजेश चंद्रा पिता सम्मेलाल चंद्रा उम्र 24 वर्ष निवासी भोथिया थाना जयपुर जिला जांजगीर चांपा को आज दिनांक 18/3/2022 को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।